और फिलहाल आंकड़ा समझिए, 403 सीटों में बीजेपी और सहयोगी पार्टियों को मिलाकर 272 से ज्यादा 273 सीटों पर जीत हासिल हुई थी बीजेपी प्लस को, और उस लिहाज से बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों को भी यहां पर उचित तरजीह देगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी, चाहे निषाद मल्ला केवट वोटर्स की बात की जाए या फिर कुर्मी पटेल वोटर्स की बात की जाए, इन दोनों के लिहाज से निषाद पार्टी और अपना दल एस बेहद अहम है। फिलहाल विधानसभा का आंकड़ा भी समझिए, 125 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिली हैं, 111 सीटें लगभग समाजवादी पार्टी के हैं इनमें, 8 सीटें आरएलडी की और 6 सीटें जो हैं वो एसबीएसपी को हासिल हुई हैं इस चुनाव के लिहाज से। और दूसरी तरफ बाकी दलों का आंकड़ा, कांग्रेस 2 सीटों पर, 2 सीटें जनसत्ता दल राजा भैया की और 1 सीट बीएसपी के रसला विधानसभा से उमाशंकर जीत कर आए थे। तो विधानसभा का यह आंकड़ा और इसी लिहाज से बीजेपी क्षेत्रीय समीकरण को जातीय समीकरण को साधने की कोशिश आज मंत्रिमंडल के जरिए करने वाली है, ये तय है। कई बड़े नामों का जिक्र लगातार मिल रहा है, चाहे बीबी रानी मौर्य की बात की जाए, केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए। इसी बीच मथुरा से बड़ी खबर है, योगी के शपथ ग्रहण को लेकर जश्न लगातार दिख रहा है। शपथ समारोह को लेकर वृंदावन में जश्न का माहौल है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन न्यास ने हवन पूजन किया है और हवन यज्ञ में वृंदावन के साधु संत भी शामिल हुए हैं। तो लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गोरखपुर से लेकर अयोध्या और मथुरा तक में जश्न लगातार मन रहा है और इसी तरह से मथुरा वृंदावन में खास यज्ञ पूजन भी किया गया है। हवन यज्ञ के जरिए यहां पर जश्न से पहले पूजा अर्चना संपन्न की गई। शपथ समारोह को लेकर वृंदावन में जश्न का माहौल है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन न्यास ने हवन किया है। तो बड़ी और अहम खबर है, मथुरा में जश्न का माहौल है, वृंदावन में साधु संत हवन यज्ञ करते हुए लगातार देखे जा रहे हैं। और रिपोर्ट देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह को लेकर वृंदावन में जश्न का माहौल है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की तरफ से इस हवन यज्ञ को किया जा रहा है और यह मांग रखी जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराकर वहां पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराएं। इसी को लेकर साधु संत लगातार हवन यज्ञ कर रहे हैं और लगातार वह यह मांग कर रहे हैं कि वहां पर जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का भव्य कॉरिडोर बने और भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य और भव्य स्थल है वहां पर दिव्य और भव्य रूप दिया जाए। साधु संत और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास लगातार श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए काफी लंबे समय से प्रयासरत हैं और उसी के चलते आज यहां पर एक बड़े हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें वृंदावन के संत भी मौजूद हैं और इस हवन यज्ञ को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की तरफ से किया जा रहा है। दाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। तो आपने देखा किस तरह से मथुरा में जश्न का माहौल है, हवन यज्ञ किया जा रहा है और ये तस्वीरें हैं इकाना स्टेडियम की, अलग अलग कटआउट्स लगाई गई हैं, पूरी तरह से इकाना स्टेडियम तैयार है। बस कुछ पल में शपथ ग्रहण यहां पर शुरू होने वाला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ लेंगे। इसी बीच बड़ी खबर है, शपथ ग्रहण को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश शायद दिख रहा है। कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने कार्यकर्ताओं से बात की है, सुनिए। योगी आदित्यनाथ के दोबारा शपथ लेने से पहले तमाम बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर और इसके बाद यहां से वो इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए रवाना होंगे। लेकिन यहां पर जो उत्साह है वो देखते हुए बनता है। तमाम लोग यहां पर देखिए मौजूद हैं जो भगवा रंग के कपड़े पहने, साथ में एक सज्जन जो हैं वो बुलडोज़र लेकर के भी आए हैं। उनका जो साफा है, जो टोपी है, उसके ऊपर एक बुलडोज़र भी उन्होंने कह सकते हैं खिलौना जो है बुलडोज़र का वो लगा रखा। भाई सब कहां से आए हैं? मालवा से आए हैं, बिलारी विधानसभा से। ये बताएं, ये बुलडोजर आपने क्यों लगा रखा है, क्या मतलब है इसका? ये जितने भी गुंडे हैं, माफिया हैं, जो के छेड़छाड़ करने वाले सौदे हैं, ये उनके लिए बुलडोजर है और ये बाबा का बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा और इस यूपी में भगवा लहराता रहेगा। योगी बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। 2022 में बाबा का बुलडोजर चला है और 24 में भी चलेगा। कहना है कि जिस तरह से योगी सरकार के कार्यकाल में पिछली 2017 में से लेकर के 2022 तक जिस तरह से बुलडोजर चला है वो आगे भी चलता रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा।
अपने साफे पर अपनी टोपी पर बुलडोजर भी लेकर के आए और इस बुलडोजर को ये यहाँ बीजेपी कार्यालय से शपथ ग्रहण समारोह में भी लेकर के जाएंगे। तो एक अलग तरह का उत्साह है और कुछ लोग योगी बाबा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो कुछ लोग बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे भी लगाते दिख रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।